ओके डियर स्टूडेंट्स, आप ये देख रहे होंगे बोर्ड पर मैंने लिखा है कि प्रूव दैट द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए इक्वल टू एक्चुअली में द स्क्वायर ऑफ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें आ जाते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट आ गया, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट आ गया, जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का उसका भी कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। और इसके पहले मैंने एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में एक प्रॉपर्टी दी थी और ये प्रॉपर्टी, दोनों को वहाँ पे मैंने साइड किया था और मैंने वहाँ बोला था, अगर आप मैं मेरे वीडियोस लगातार देख रहे थे कि ये जो दूसरी प्रॉपर्टी है ये इस प्रॉपर्टी की जहाँ बात की थी मैंने वहाँ प्रूव नहीं किया था, खाली एक बता दिया था, लिस्ट आउट कर दिया था। यहाँ मैं इसको प्रूव करूंगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब कैसे कि देखो, पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये ए बी सी का बॉक्स है। ए बी सी का बॉक्स मतलब ए बी सी वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और फिर उसका स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, बॉक्स जो है ना ए बी सी वेक्टर का, वो ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम ऑफ पैरेलेलो पाइप्ड विद को टर्मिनस एजेस ए बी एंड सी, व्हाट द पॉइंट। तो इसका मतलब ये भी तो बॉक्स है, तो ये भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है इन तीन वेक्टर्स का। ये जो वेक्टर आने वाला है, ये जो वेक्टर आने वाला है, ये जो वेक्टर आने वाला है, इन तीन वेक्टर का मतलब ये जो वेक्टर्स बनने वाले हैं वो वापस से किसी दूसरे पैरेललो पाइप के कोटर्मिनस एजेस होंगे और ये जो बॉक्स होगा वो एक्चुअली में रिप्रेजेंट करेगा वॉल्यूम ऑफ दैट पैरेललो पाइप, करेक्ट है। तो ठीक है साहब, तो ये सब तो इसको अंडरस्टैंड कर लिया, अब इसको प्रूफ करते, ये रिजल्ट ही आपको मालूम होना चाहिए, मैं पहले बता चुका हूँ, फिर अब इसको प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ में आपको सारी चीजें मतलब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे डिफाइन किया है अल्जेब्रिकली और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे डिफाइन किया है अल्जेब्रिकली, ये दोनों कॉन्सेप्ट को हम यहाँ यूज करेंगे, ठीक है साहब। तो यहाँ आते लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, ये ए क्रॉस बी, फिर बी क्रॉस सी और ये सी क्रॉस ए, इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के डेफिनेशन के बेस पर ये ए क्रॉस बी डॉट और ये बी क्रॉस सी का क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा हाँ सी क्रॉस ए से, करेक्ट है क्या? ठीक है, ये तो क्या, क्योंकि आप जब आप इसको डिफाइन किए थे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को, तो ये ए डॉट बी क्रॉस सी इसमें मैं डिफाइन किए थे, किए थे बस इसी चीज को। तो यहाँ करना हमको, यहाँ हमने लिख दिया ए क्रॉस बी डॉट बी क्रॉस सी क्रॉस सी क्रॉस ए। अब आप देखेंगे कि ये एक वेक्टर आएगा और फिर इस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ये दो वेक्टर सी क्रॉस ए के रिजल्ट के साथ में, मतलब ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अभी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से बाहर निकले और फिर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की डेफिनेशन में आ गए, करेक्ट है। तो एक काम कर लेते, इसको मैं पहले आर वेक्टर मान लेता हूँ, तो इसको तो जैसे कि वैसे लिख दो, ये तो ए क्रॉस बी ठीक है और फिर ये डॉट ठीक है और ये यहाँ पे आ जाते ये आर क्रॉस सी क्रॉस ए, ये बन गया, ठीक है। तो अब क्या करना है कि इसमें वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की डेफिनेशन लगानी है। तो ये हो गया ए क्रॉस बी फाइन डॉट, अब ये ब्रैकेट में आ जाते, अब आते इसमें, तो ये तो हो जाएगा आर क्रॉस ए मतलब आर डॉट ए दूर के वेक्टर के साथ में, बीच वाला वेक्टर इनटू में आएगा माइनस, ये ऑर्डर को मेंटेन कर लीजिए, मतलब आर डॉट सी और फिर ये ए, ठीक है। ये डिफाइन करने का तरीका, मैंने बोला था कि ये वेक्टर ट्रिपल को कैसे इस प्रकार से डिफाइन करते हैं, ये आपको बाई हर्ट होना चाहिए, हमेशा रिमाइंड होना चाहिए, नहीं तो आप ऑर्डर में अगर थोड़ा बहुत भी हेर फेर कर दिया तो आप तो उड़ जाएंगे इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स, करेक्ट, फाइन, ओके। देन अब आते हैं किस पर, हाँ ठीक है साहब, ओके। अब ये आर को वापस से मैं रिप्लेस कर देता हूँ बी क्रॉस सी से, ठीक है। अभी मैंने वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लगा दिया, अब मैं फिर आर को रिप्लेस करता हूँ जो मैंने लिखा था, तो ये तो हो गया ए क्रॉस बी डॉट और आर क्या था आपका, आर आपने लिया था बी क्रॉस सी है ना, ठीक है साहब। तो बी क्रॉस सी और फिर इसका डॉट वेक्टर ए के साथ में और फिर ये जो पूरा आप दिख रहे हो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, एक स्केलर क्वांटिटी आने वाली है जिसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम वेक्टर सी से, करेक्ट है क्या है? तो वापस से आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में आ गए, ठीक है, ओके फाइन। सेम यहाँ पे भी ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी था
आर बी क्रॉस सी है, तो बी क्रॉस सी और फिर इसका डॉट सी में किया, मतलब वापस से ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, और फिर इसका हमने मल्टीप्लिकेशन किया वेक्टर ए में, करेक्ट है। तो अब वापस से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं, तो ये क्या होगा, ए क्रॉस बी, फाइन क्वेश्चन ही है। अभी देखना, अब मैं कैसे लिख रहा हूं, ये बी क्रॉस सी डॉट ए है, मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में ये बी सी ए ऐसे लिखा जाएगा, ये लिख दिया मैंने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। आई होप दैट ये बात सबको क्लियर हुई होगी, ठीक है। और फिर इसका मल्टीप्लिकेशन सी के साथ में माइनस, यहां स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आएगा, बी सी और सी, अगर ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है और फिर मल्टीप्लिकेशन ए के साथ में, तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तो जीरो आना है, क्योंकि यहाँ दो वेक्टर्स आइडेंटिकल है, तो ये तो जीरो आ गया, ठीक है। तो ये पूरा टर्म जीरो में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। अब आप देखते हैं, ये एक स्केलर है और ये वेक्टर है, डॉट प्रोडक्ट इस वेक्टर के साथ में करना है, तो आपको मालूम है स्केलर को बाहर ले लेते हैं, ये मैंने बता दिया है, ये स्केलर, ठीक, स्केलर, और फिर ये ए क्रॉस बी जो वेक्टर है उसका डॉट प्रोडक्ट आप लेंगे वेक्टर वेक्टर सी के साथ में, डॉट प्रोडक्ट। तो जैसा मैंने शुरू से आपको बता रहा हूँ इसमें कि डॉट कहाँ रहना चाहिए, स्केलर मल्टीप्लीकेशन कैसा होना चाहिए, कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है, कौन सा आपका स्केलर क्वांटिटी है, अगर इसके बारे में आपको कंप्लीट आइडिया है तब तो आप इसमें कुछ भी एरर नहीं करेंगे। स्केलर क्वांटिटी बाहर आ गई, डॉट प्रोडक्ट ये वेक्टर का इस वेक्टर के साथ में, करेक्ट, फाइन, ओके। तो अब बहुत आसानी से ये समझ लिए है कि ये वापस से ए क्रॉस बी डॉट सी ए मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ठीक है क्या, हाँ जी। तो ये हो गया बी सी ए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और ए क्रॉस बी क्रॉस डॉट सी ए मतलब ये वापस से ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ठीक है। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की आपकी प्रॉपर्टीज है ना, उसको आप अप्लाई कर लीजिए, साइक्लिक प्रॉपर्टीज जिसको आप बोलते थे, क्या है ये बी सी ए, ये एक्चुअली में ए बी सी के इक्वल है, साइक्लिक प्रॉपर्टीज, जो साइक्लिक परम्यूटेशन करते हैं हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, वो सेम वैल्यू देता है। तो ये और ये दोनों सेम है, मतलब आपका ये फाइनल आंसर आ जाएगा ए बी सी इंटू ए बी सी दैट इज ए बी सी का स्क्वायर, ये हो गया इसका प्रूफ, करेक्ट है। तो जब आपने प्रूफ को आइडेंटिफाई कर लिया है, अब आप क्या क्या करो कि सीधा ये रिजल्ट्स को याद रखना, जैसे आपको मैंने बोला है कि इसके बेस पे प्रॉब्लम्स कैसे जनरेट होते हैं, ये फर्स्ट रिजल्ट हो गया और दूसरा रिजल्ट आपका ये था ए प्लस बी और ये बी प्लस सी और ये सी प्लस ए, ये होता था ट्वाइस ऑफ ए बी सी, करेक्ट है। ये दो रिजल्ट्स आपको याद हो तो ज़्यादा अच्छा है। और फिर आपको ये बता दिया ज्योमेट्रिकली ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है पैरेललोग्राम के, तो फिर ये दूसरे पैरेललोग्राम के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा जिसके ये कोटेनियस एजेस है, और इसके ऊपर प्रॉब्लम्स भी बहुत आसानी से बन जाते हैं। इफ जैसे मैंने बोला कि इफ ए बी सी इक्वल टू फोर है देन वॉट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, हाँ बी प्लस सी और सी प्लस ए, तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो डेफिनेटली एट हो जाएगी। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने टू लिख दिया, टू के साथ में यहाँ थ्री लिख दिया, थ्री के साथ में यहाँ पे भी कुछ लिखता हूँ, फिलहाल नहीं लिखता, तो टू बार आ जाएगा, थ्री बार आ जाएगा, टू थ्री या सिक्स है ना, सिक्स इन टू और ये ट्वाइस और ये कितना है फोर है, ये इतना आ जाएगा 48 एंड लाइक दैट क्वेश्चन इसमें जनरेट होते हैं, करेक्ट है। तो आई होप दैट ये दोनों प्रॉपर्टीज आपको हमेशा याद रहेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस को जरूर आपको रिमाइंड करके रख लेना चाहिए, ठीक है।